अफगानिस्तान ने फेंटा दिया पाकिस्तान को ठीक ठाक किस्म का। वेरी एम्बैरेसिंग, रियली रियली एम्बैरेसिंग, लाइक आई एम रियली सुपर सुपर डिसअपॉइंटेड। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और बताओ मैं इनको क्या करूं, अफगानिस्तान ने घंटा बजा दिया पाकिस्तान का। ये हमारी बेहतरीन नंबर वन बॉलिंग भी थी ना हमारी, ये बिल्कुल नंबर वन, नंबर वन हम हर जगह नंबर वन फेल क्यों, ये सब देखना पड़ेगा ये कहने के लिए। मेरा ख्याल दोनों इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कह सके, बता सकते हैं आप अंदाजा लगाएं प्रेशर कितना है। मैं बता रहा हूं मैंने इस टीम का बायकॉट कर देना, अफगानिस्तान से हार यार, अफगानिस्तान से हार मंजूर नहीं है। मतलब कि ऐसी इतनी बिजी पिछली थी इन्होंने बना दी है। अफगानिस्तान वाले पहले पाकिस्तान से क्रिकेट सीखते थे, अब ये इनको सिखाने में लगे हुए हैं। मैं कहूंगा कि ये बात है कि पाकिस्तान की इतनी अच्छी टीम होके भी अफगानिस्तान जैसी टीम से मैच हार गई। पाकिस्तान तो गयो सीधा भाई इस्लामाबाद या कराची लाहौर के एयरपोर्ट पे उतरेगा भाई। पहली जा रहे हैं हम, 100 आर हमें पेल के जा रहा है, जो आर हमें पेल के जा रहा है। हम तो भी बिजी हो गए सबके लिए, हम तो सबके लिए इजी हो गए, इजी टारगेट है, जो आता है पेल जाता है, जो आता है पेल जाता है। हम रेडी भी बैठे होते हैं, आओ पेल लो, आओ पेल लो, आओ पेल लो। सारी कसर निकाल के आउट हुआ गुरबाज, उसने क्या दुलाई किया 53 वालों पे 65 स्कोर, 9 चौके 1 छक्का, और इस टेपिए की इतनी दुलाई कर दिया ना, एक ही ओवर में आरएस राव को 4-4 चौके जोड़ के मार दिए हैं। तो अफगानिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनसे ऊपर आए, और उनकी भी बात ठीक है जो हालात जा रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने मैचेस भी हारी जा रहा है और भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है। तो सारी सी बात, अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान को किसी तरह डोमिनेट करे। अब ये मैच में देख ले जो अफगानियों ने पाकिस्तान का हाल कर दिया। इनको शर्म आ जाए लेकिन इनको नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इतिहास बन चुका है और भारत की सरजमीन पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ठोक दिया है, और जिस तरह से ठोका है, मतलब पाकिस्तानियों के मुंह पे एक लात मारा है, थप्पड़ मारा है और कुत्तों की तरह उनको हराया है। एक ओवर रहते हुए अफगानिस्तान ने 8 विकेट से ये मैच जीत लिया है, और 283 रन। कभी ये पाकिस्तानी सोच रहे थे कि ये तो मतलब हमारी जो साइन है, हारिस है, जो हमारी हसन है, इसके सामने तो अफगानिस्तान टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज गुरबाज ने और उनके और एक जो ओपनर थे उन्होंने उनकी पिलाई और धुलाई की है, इसके बाद तो पाकिस्तान की मतलब लाइन ऑफ लेंथ ही बदल गई और पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। इसके बाद पाकियों का तो रोना बाकी था, पाकि आज रो रो के उनकी मतलब बुरा हाल है, और अफगानिस्तान में आज दिवाली मनेगा ही मनेगा ये तो आप जानते हैं, और शोएब अख्तर भी आज बहुत ज्यादा रो रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं बताऊँ आपको वीडियो के अंदर। पाकिस्तान तो गयो सीधा भाई इस्लामाबाद या कराची लाहौर के एयरपोर्ट पे उतरेगा भाई। हम तो चले सरन, तुझे भी ले डूबेंगे, और ऐसा डुबाएंगे कि रात को नींद में अफगानिस्तान आएगा तुम लोगों को। गुरबाज और इब्राहिम की यही बैटिंग हम काफी अरसे से चाहते थे, और ये दोनों प्लेयर बने ऐसी बैटिंग के लिए है, तो भाई क्यों ना करे ये ऐसी बैटिंग। और अफगानिस्तान के कोच ने पहले ही बोल दिया था, खबरदार किया था पाकिस्तान के टीम को कि भाई इस बार जो बैटिंग आने वाली है वो तूफानी बैटिंग है माशाल्लाह। और आज दोस्तों देखिए कि वही तूफानी बैटिंग, ब्रिलियंट बैटिंग एंड इनिंग फ्रॉम गुरबाज एंड इब्राहिम जदरान। आई लव यू भाइयों, आई लव यू। इसी के लिए तो आप लोग बने हो यार, आप लोग है इसी बैटिंग के लिए हो। इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी टीम तुम लोगों से घबरा रही है आज। वेल डन भाई, वेल डन, दिल जीत लिया भाई, यकीन करें गुरबाज और इब्राहिम दिल जीत लिया भाई। और बताओ मैं इनको क्या करूं, अफगानिस्तान ने घंटा बजा दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का टैलेंट ये वो बढ़ गया सारा, अफगानिस्तान ने घंटा बजा दिया, अफगानिस्तान ने आपका घंटा बजा दिया, आपको आपकी औकात याद दिलवा दिया, वो शर्म नाम की कोई चीज होती है। ये अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की टीम को ऐसा रंबू लगाया, ऐसा रंबू लगाया, उन्होंने आपके चेहरे के ऊपर एक्स्ट्रा प्रो मैक्स जहन्नम की लानत भेजी है। शर्म कर लो, पाकिस्तान का नाम बदनाम करवाते हो हर जगह पे जाके, शर्म नहीं आती आप लोगों को, आप लोग पागल हो गए हो। वो घंटा, वो नेपाली घंटा, वो जो बाबर आजम है जो नेपाल के खिलाफ चलता है उसका भी घंटा बजा दिया उधर। वो शर्म करो, शर्म शर्म कर लो, और शर्म कर लो, पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहे हो। ये टैलेंट है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने हराया नहीं है सर, आपका टैलेंट एक्सपोज हुआ, ये टैलेंट है आपका। और ऐसे टैलेंट को तो मैं कहता हूं रूढ़ी पे रखो, ऐसे टैलेंट को निकालो, इनको निकलो बाहर, घंटो सारे, घंटा बजवा दिया आपने, शर्म नहीं आती आपको, अपने मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हो। बड़ी को मुश्किल पिच बन गई थी ना, आपसे बेहतर तो अफगानिस्तान है। मुझे बड़ा प्यार है अपनी कंट्री से, बड़ा प्यार करता हूं मैं, मेरा दिमाग तपता है जब ये बेइज्जती करवाते हैं, मेरा दिमाग तपता है जब ये जलील करवाते हैं, मेरा दिमाग में मेरा मेरा सरदर्द शुरू हो गया हुआ है, मुझे सरदर्द हो रहा है इस टाइम, ये जलील करवा रहे हैं हमें। शर्म कर लो थोड़ी सी, फिर बोलोगे कि ये गालियां देता है, और मैं क्या करूं क्या इनका, मैं
नहीं क्या करूं मैं, पहली जा रहे हैं हम, 100 आर हमें पेल के जा रहा है, जो आर हमें पेल के जा रहा है, हम तो भी इजी हो गए हैं सबके लिए, हम तो सबके लिए इजी हो गए हैं, इजी टारगेट है, जो आता है पेल जाता है, जो आता है पेल जाता है, हम रेडी भी बैठे होते हैं जी, आओ पेल लो, आओ पेल लो, आओ पेल लो। शेम ऑन यू, इनको शर्म आ जाए लेकिन इनको नहीं आएगी। अफगानिस्तान की टीम ने बाबर आजम 11 घंटों की शलवार उतार के उनकी बैंड बचा के रख दिया है। तारीख का काला तरीन दिन, शर्मनाक तरीन दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का। यह बाबर आजम घंटे की टीम है, यह बाबर आजम घंटे का प्रोडक्ट है, यह इसकी दोस्ती यारियां नलायकियां बहती है। पाकिस्तान के क्रिकेट के लोग जो कहते हैं वानी नमक आराम है, पिछावर से क्रिकेट सीखी है और हमारे उन पर एहसान है, आज उन्होंने बैंड बचा के रख दिया। आपकी पाकिस्तानी टीम का जनाजा पढ़ा दो। हम तो इतने अरसे से कह रहे हैं ये घंटे में दम नहीं है और इस घंटे के फैंस आज खुश होंगे, इसने 74 बना दिया, इसकी फॉर्म वापस आ गई, इसकी बैटिंग वापस आ गई, इसने 88 मीटर का छक्का मार दिया, अफगानिस्तान ने आपको 888 मीटर की बचा के रख दिया। यार बड़े फॉर्मेट में वनडे है, बड़ा फॉर्मेट है, अफगानिस्तान से जिलीलो हार हो गए, ऑस्ट्रेलिया से हो गए, इंडिया से हो गए, किसी के आगे तो इज्जत रख लो यार। टॉप करना था तुमने इस वर्ल्ड कप में जाके, कह रहे थे हम जीतेंगे, हमारा नंबर वन बॉलिंग अटैक है, शर्म का मकाम है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट को बाबर आजम घंटे घंटे का फैन कहां पर ले आए हो, या बाबर घंटे के बाबर बकरी के फैन पाकिस्तान की क्रिकेट को कहां पर लेके आ गए हो? मैं बता रहा हूं, मैंने इस टीम का बाइकआउट कर देना, अफगानिस्तान से हार यार, अफगानिस्तान से हार मंजूर नहीं है। मतलब कि ऐसी इतनी बिजी पिछली थी इन्होंने बना दी है, एक सही लेंथ पे बॉल ही नहीं कर रहे और फिर फील्डिंग इतनी गंदी फील्डिंग। राशिद खान को देखे उसने कैसी लेंथ पे यार चौके करवा रहे हैं, प्रेशर भी डाल रहे हैं हद करते, मतलब ऐसी लूज फील्डिंग, ऐसी लूज फील्डिंग, ऐसी हद हो गई लोग। अफगानिस्तान से हारना ये कबूल नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अफगानिस्तान से हार कबूल नहीं है, हद हो गई है, मतलब कि हद हो गई है इस टीम के ऊपर, हद हो गई है कि इतनी गंदी बोलिंग, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी सीधी विकेट थी, इतने इनसे इन्होंने रन ही बहुत कम कर दी है। अब तो ये लग रहा है कि यहाँ पे तो 340-350 होना चाहिए था। क्या ये थर्ड क्लास और गटिया किस्म की जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, सारी कसर निकाल के आउट हुआ गुरबाज, उसने क्या धुलाई किया, 53 वालों पे 65 स्कोर, 9 चौके 1 छक्का, और इस टेपिए की इतनी धुलाई कर दिया ना, एक ही ओवर में आरएस राव को 4-4 चौके जोड़ के मार दिए हैं। कोई दिमाग नहीं है भाई साहब कि कहां पर बॉल पिच करना है, इतना ज्यादा रूम दे रहे हैं ऑफ साइड के ऊपर, और ये करके वो जहां गैप निकाल के जहां चौके लगा रहे हैं। शाहीन अफरीदी आते साथ पहले ओवर में 1 चौका गुरबाज ने मार दिया, एक इब्राहिम जादरान ने मार दिया, असन अली ने आते साथ 2 चौके खा लिए, उसके बाद जो कसर बची थी वो उसामा मीर ने निकलवा ली है, और 130 स्कोर की जो पार्टनरशिप अफगानिस्तान के ओपनर्स के दरमियान हुई है, इब्राहिम जादरान और साथ में गुरबाज के दरमियान। दुख तो हमें इंडिया से हारने पर नहीं होता जितना आज पाकिस्तान की अवाम को अफगानिस्तान से हारने पर हो रहा है, क्योंकि इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान की अवाम अफगानिस्तान को क्रिकेट में का दुश्मन समझने लग गई है। जी ऐसा ही है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारी एक नई राइवलरी स्टार्ट हो गई हुई है। अफगानिस्तान वाले पहले पाकिस्तानी से क्रिकेट सीखते थे, अभी इनको सिखाने में लगे हुए हैं, जो कारकर्दगी दिखा दी इस मैच में बहुत ही ज्यादा, यानी कि शर्मनाक मैं कहूंगा कि ये बात है कि पाकिस्तान की इतनी अच्छी टीम होके भी अफगानिस्तान जैसी टीम से मैच हार गई है, क्योंकि लास्ट मैचेस में भी जब पाकिस्तान की मेन टीम भी खेलती है हमेशा अफगानिस्तान के साथ ना रिवलरी नजर आई है। मतलब इस तरह ही अगर हम परफॉर्मेंस देते रहे तो हमारा तो बस मजाक ही बनता रहेगा। मजाक तो बन चुका है ना, देखिए आप हमेशा वो यानी कि जब अफगानिस्तान जीत रहा होता है तब कोई ना कोई नसीम शाह टकर जाता है उनसे, ठीक है वहां पर आके कोई उनको यानी कि तुरफ होता ना उनके साथ मैं यानी कि कह जाता मैं पंजाबी में कहूंगा, तो बहरहाल पाकिस्तान ने आज जो मैच खेला बहुत ही नाकस कारकर्दगी की अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनसे ऊपर आए, और उनकी भी बात ठीक है जो हालात जा रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने मैचेस भी हारी जा रहा है और भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है, तो सारी सी बात अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान को किसी तरह डोमिनेट करे। अब ये मैच में देख ले जो अफगानियों ने पाकिस्तान का हाल कर दिया, तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी कैसे रो रहे थे, और रोना तो वाजिब था क्योंकि ये नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा, ये बहुत उम्मीद लगा रहे थे, दुआ लगा रहे थे पहले कि भाई हम जीत जाएंगे, लेकिन आज जिस तरीके से अफगानिस्तान ने इनकी हाल किया है तो भाई मजा आ गया, अफगानिस्तान आज जीत चुका है। जितने भी हमारे अफगानिस्तान भाई हैं वो वीडियो भी देखते हैं उनको कंग्रेचुलेशन, क्योंकि अफगान हमेशा भारत के साथ देते हैं और जिस तरीके से हमको प्यार देते हैं और पाकिस्तानियों को पेलते हैं अक्सर, और इस तरीके से इनकी बहुत दिनों से सपना था कि हम मतलब एक मैच ओडीआई में हराए, लेकिन एक मैच क्या, ये तो वर्ल्ड कप में ही हरा दिया है और ये रिकॉर्ड हो गया है, 7 बार उन्होंने खेला है पाकिस्तान के साथ, कोई भी मैच नहीं जीता था, लेकिन 8वीं बार में उन्होंने आज ये वर्ल्ड कप में ही इतिहास रच दिया है, और अफगानिस्तान के क्रिकेट हिस्ट्री में ये गोल्डन लेटर में लिखा जाएगा कि वर्ल्ड कप में इंडिया में हमने पाकिस्तान को पेल दिया था, और चेन्नई की पिच में आज जिस तरीके से मैच खेला है अफगानिस्तान ने, बॉलिंग में भी डोमिनेंस देखने को मिला और बैटिंग में तो भाई जबरदस्त डोमिनेंस देखने को मिला, 8 विकेट से विक्ट्री कोई छोटी मोटी विक्ट्री नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान टीम को आप मतलब इतना भी बुरा नहीं कह सकते जो पाकिस्तान को पेल सकता है, इंग्लैंड को पेल सकता है, वो किसी को भी पेल सकता है, लेकिन आज पहले तो अब्बू ने
पेल दिया था, आज भाइयों ने मिलकर पेल दिया, तो भाई पाकिस्तान को जो आ रहा है वो पेल के जा रहा है, जो आ रहा है वो पेल के जा रहा है, अब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और पाकिस्तान की इस हार को लेकर, अफगानिस्तान की बड़ी जीत को लेकर आपका कह रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा इन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।